नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमेंटेरिया पर। जो विद्यार्थी नए हो कृपया कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा टॉपिक चल रहा था सीबीआई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद हमारा था कि अपने आदर्श वाक्य उद्देश्य व्यावसायिकता की जरूरत पारदर्शिता परिवर्तन के प्रति अनुकूलन अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान आईटी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। किस पर? कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार संघर्ष आर्थिक और हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना, और क्या करती है विभिन्न न्यायालयों में जो पेंडिंग पड़े मामले हैं उसके सफलतम अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए, देखिए बहुत अच्छा काम सीआई करती है, दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली को बनाते हैं, सिस्टम एवं प्रक्रिया विकसित करना, प्रोसीजर कैसे करना है। जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उसको देखिए क्या करता है, विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफलतम अनुसंधान मतलब रिसर्च और अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं उस प्रक्रिया को विकसित करती है सीबीआई। ये इनके महत्वपूर्ण केंद्रित करने वाले कार्य हैं कि प्रयासों से निम्नलिखित पर केंद्रित कर देंगे तो अपने आप स्वतः ही सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। पहली समस्या की सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष करती है, आर्थिक और हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान अभियोग द्वारा कमी लाती है, विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों में सफल अनुसंधान और अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली और प्रक्रिया विकसित करती है, साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना, और क्या करती है सीबीआई, किस किस चीज पर केंद्रित रहती है, कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण मतलब प्रेम पूर्वक सौहार्द से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, कार्यस्थल पर ही अपने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाती है कि जिससे टीम भावना का विकास हो, एक टीम की तरह से एक सूत्र में पुरो कर हम कार्य कर सके और मुक्त तरीके से संचार कर सके, फ्री कम्युनिकेशन मुक्त संचार और आपस में विश्वास की भावना, आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले, ये सारे कार्य करती है सीबीआई। क्या करते हैं कार्यस्थल पर, जहां कार्य करना होता है जगह पर ये ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिसे टीम भावना और मुक्त संचार आपसी विश्वास को बढ़ावा मिल सके, इस तरीके का बहुत ही कार्य करती है सीबीआई। पांचवा, ये केंद्रित करते हैं इस चीजों को, फोकस करते हैं ये ऐसे व्यवहार को, राज्यों की पुलिस जो भी स्टेट में कार्य करती है सीबीआई, वहां की पुलिस, राज्यों की पुलिस संगठन वह का मतलब और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्या करते हैं आपसी सहयोग होता है, एक दूसरे का सहयोग करना, विशेषकर किस तरह का सहयोग करती है, विशेषकर स्पेशली मामलों की छानबीन, या आप हमारा सहयोग करिए मामलों की छानबीन और अनुसंधान, सहायता करना,
देखिए, राज्यों के पुलिस संगठन और कानून लागू करने वाले एजेंसियों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करती है कौन, जो फोकस करते हैं सीबीआई। और क्या करती है सीबीआई, विजन इनका जो होता है किस तरीके का होता है, विजन के जो महत्वपूर्ण 9 बिंदु हमने आपको बताया, देयर आर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सीबीआई टू फोकस डाउन सम पॉइंट्स दैट डिस्कस्ड नाउ, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व का मतलब और अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल नेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, स्तर पर संगठित अपराध। किस तरह का अपराध, संगठित नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर संगठित अपराध, किस तरीके का संगठित अपराध, लड़ाई में, लड़ाई में का मतलब उसके खिलाफ कि जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ हम एक हैं, इस तरीके का एक सामंजस्य और सद्भावनापूर्ण संदेश सीबीआई देती है कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर संगठित अपराध और उसकी लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करती है, क्या करती है मुख्य भूमिका, मेन रोल निर्वाह करना, मेन रोल निभाती है सीबीआई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका, मेन रोल निभाना, निर्वहन करती है कौन सीबीआई। 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। 7वां पॉइंट, 7th क्या है हमारा पॉइंट है, सीबीआई के जो केंद्रित विचारधाराएं हैं इस पर ये केंद्रित करती है, करेगी अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित की लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वाह करेगी सीबीआई, साइबर उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करती है, कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुख संचार और आपसी विश्वास हो रहा हो, राज्यों के पुलिस संगठन, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विशेषकर मामलों की छानबीन कर लेना, विशेषता क्या है कि मामलों की छानबीन और रिसर्च में सहायता करने का कार्य करती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। 7वां पॉइंट जो ये करते हैं केंद्रित मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण एनवायरमेंट कलाओं आर्ट्स कला वस्तुओं, कला वस्तुओं आर्ट्स स्पीसीज प्रोडक्ट्स, कला वस्तुओं एंटिक्स आप समझते हैं, एक तो आर्ट्स हो गया कलाओं के बारे में, कला वस्तुएं एंटिक्स जो हम जुटाते हैं बनाते हैं कि एंटिक प्रोडक्ट है, तो ये कला वस्तुएं कहलाती है, इसका बड़ा महत्व होता है। तो क्या है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण कलाओं और एंटिक्स के साथ अपनी सभ्यता की विरासत, सभ्यता की विरासत, अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना। सभ्यता की विरासत क्या है हमारी, कि जैसे हमारे देश के महापुरुष पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे संबंधित कोई वस्तु हो जो चोरी हो जाए, कोई चीजें हो जो विदेशों के पास हो, उसको इक्वायर करना है, आप उसको खरीदेंगे नीलामी के थ्रू लाएं, या किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन उसमें इन्वॉल्व हो, तो वहां सीबीआई का रोल आता है। ये क्या करती है, वो मानवाधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण कलाओं और एंटिक्स के साथ, मतलब उस चीजों को लेते हुए एक अपने अंदर समाहित कर लेती है उस प्रॉपर्टी को, अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जब इस तरह केंद्रीकरण को प्रस्तुत करेगी सीबीआई तो वो होगा एक आदर्श,
कार्य, इसका फंक्शनरी, आइडियल फंक्शनरी ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसको प्रोपगेट करेगा और क्या करेगी, वैज्ञानिक वैज्ञानिक अभिवृत्त एप्टीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्त मानवता, ह्यूमैनिटी, तथा इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, जांच अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, जांच अनुसंधान और सुधार, करेक्शन, तथा सुधार की भावना, किसकी भावना, सुधार की भावना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति की भावना, मानवता और जांच अनुसंधान एवं उसके सुधार की भावना, कौन इसको का अपने अंदर, कौन करेगा अपने अंदर, सीबीआई का अपने अंदर विकास करना, विकास करेगी, ये एक केंद्रीकरण का प्रस्तुतकरण होगा कि सीबीआई किस प्रकार से कैसे प्रयासों पर केंद्रित करेगी अपने आप को, किस प्रकार के प्रयासों पर सीबीआई केंद्रित करेगी कि एक आदर्श फंक्शनरी डिटेल कर सके सोसाइटी में, कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति मानवता, जांच अनुसंधान और सुधार की भावना को अपने अंदर विकसित करना, ये कार्य करेगी तो एक केंद्रीकरण प्रस्तुत होगा कि हम पूरी तरीके से केंद्रित हैं किस चीजों पर, हमारा प्रयास है कि हम इस तरह से अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं इन बिंदुओं पर, ताकि हम समाज के लिए एक अच्छा मिसाल पेश कर सकें, समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर सकें, उसके लिए हमें इस तरीके के बिंदुओं पर केंद्रीकरण की नितांत आवश्यकता है। तो ये सीबीआई के हम 9 बिंदुओं पर पढ़ रहे हैं। आखिरी बिंदु है कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र, ईच एंड एवरी एरिया ऑफ वर्क फंक्शनली, प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का मतलब, उत्कृष्टता का मतलब पूरी तरीके से परफेक्शन, जो परफेक्ट होता है उसको बोलते हैं उत्कृष्टता, प्रोफिशिएंसी। तो कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता, व्यवसाय का मतलब आप समझते हैं, तो उसी का आपका ये एग्जेक्टिव हो गया व्यावसायिकता, व्यावसायिकता के लिए, किसके लिए, किसकी, कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, प्रयासरत रहना, प्रयास कर रहे हैं किसकी, कार्य प्रणाली में हमारे उत्कृष्टता है, व्यावसायिकता है, ऐसा प्रयासरत रहती है सीबीआई, जिससे कि क्या, अच्छा इसका आउटपुट क्या होगा, कि जिससे कि आउटपुट क्या मिलेगा, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों, एक तरह का संगठन है ना सीबीआई, अपने प्रयत्नों, संगठन अपने प्रयत्नों एवं इफर्ट कर रहे हैं, इफर्ट एंड उपलब्धियों, अचीवमेंट, प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे, टॉप पर पहुंचे, शिखर का मतलब टॉप में, शिखर पर पहुंचे, संगठन एक तरह का ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक संगठन है ये, कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों और उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे। पूरे 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसको हम थोरो रिवीजन देते हैं, आप लोग अपनी रिवीजन बुक को ओपन करिए। चैप्टर 17 कंप्लीट जीस्ट एंड क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना, कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे कि टीम भावना, मुक्त संचार तथा विश्वास को बढ़ावा मिले आपसी, और राज्यों के पुलिस संगठन कानून लागू करने वाले एजेंसियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेष करके इस प्रकार के मामलों की छानबीन और रिसर्च में सहायता करती है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करती है सीबीआई। मानवाधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण, कलाओं और कला वस्तुओं जैसे कि एंटिक्स के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा भी करना ये कार्य होगा। एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता और जांच अनुसंधान सुधार की भावना का अपने अंदर डेवलपमेंट करना, विकास करना, कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता, व्यवसायिकता के लिए प्रयासरत रहना जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में किसमें अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में इफर्ट एंड अचीवमेंट्स टॉप पर पहुंच सके। ये 9 पॉइंट जो हमारे थे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक केंद्रीकरण सिद्धांत है जो कि आत्मसात करने का पूरा प्रयास करती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाउ कैन दे कनेक्ट विद सोसाइटी, हाउ कैन दे इंट्रोड्यूस आर द जनरेट आर एनहेंसमेंट ऑफ द फेथ ऑन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए पब्लिक के बीच में आपको जाना होगा, उनके बीच की कमियों को समझना होगा और उसको इनहेंसमेंट करना होगा कि किस प्रकार से हम इसको प्रॉपर सल्यूट कर पाए, रिजोल्यूट कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। इस तरीके का आत्मविश्वास, इस तरीके का एक आत्म केंद्रीकरण, ऐसी भावनाओं को जो ये सेंट्रलाइज करती है सीबीआई, उन्हीं 9 पॉइंट्स को हम ये कि हाउ कैन वी इंप्रूव द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट हैव द सम सेंट्रलाइज पॉइंट्स नेमली 9 पॉइंट्स गिवन हियर फॉर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सेंट्रलाइज एम in which we have thoroughly introduced and lectured the some 9 qualities of the Central Bureau of Investigation. Now our today's lecture has completed UP APS examination form from UPPSC website have live again in which Stenography test is compulsory. 11 नवंबर तक ये फॉर्म लाइव हो गए हैं दोबारा से UPAPS असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट में सहायक सचिव, सचिव स्तर के लिए ये अच्छी वैकेंसी होती है सहायक सचिव APS, क्योंकि 13 साल बाद आई है मेरे ख्याल से। इस पर भी विवाद खड़े हुए हैं लेकिन 11 नवंबर तक लास्ट डेट है, आप भर लीजिए। स्टेनोग्राफी मस्ट है। और अब यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो फॉर्म जो आया है स्टेनोग्राफर, इसमें सीट इंक्रीज कर दी गई है 300 से ज्यादा, तो इस वैकेंसी को भी आप भर सकते हैं, इसमें भी सीटें बढ़ा दी गई हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। ये सारी वैकेंसी जो ट्रिपल एससी वाली होगी प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में भरी जा रही है पेट पे। ये थी यूपीपीसीएस की वैकेंसी, यूपीपीएससी की जो एपीएस है तो ये यूपीपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगी। दोनों अलग अलग वेबसाइट्स हैं लेकिन आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट फॉर्म भरने के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको कि आप कर लेंगे, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ओपन है। और आगामी जो है उत्तराखंड पीसीएस वैकेंसी है, मध्य प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है 17 दिसंबर को है प्रिलिमिनरी, जो कि वन सेवा और राज्य सेवा के लिए कंबाइंड एग्जाम होगा। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रही हमने आपको बता दिया, आप भी तैयारी में लगे खूब मन से, जोशो खरोश से अपने लगे रहे और खूब जम के आप यूपीएससी की तैयारी करें। मराई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लगभग 3/4 सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 2-3 महीने का सिलेबस और बचा है, उसके बाद हम पूरी तरीके से सफलतापूर्वक आई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को कंप्लीट कर पाने में कह सकने में समर्थ होंगे। और काफ़ी हद तक हम कोशिश में होंगे कि सारे क्वेश्चन हम लगभग जो कि एनसीईआरटी से आए वो कैप्चर कर लें।
तो महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। तो सिलेक्शन तक की अपनी इस उम्मीद को, सम्मान को, पराकाष्ठा को आप प्रदर्शित करें। आप स्टूडेंट अकाउंट एरिया के, एस्पिरेंट अकाउंट एरिया के कंप्यूटर्स हैं, साथ साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और आप कहलाते हैं हम कॉम्पटेरिया। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। लेक्चर अच्छा लग रहा हो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल।